लाशें जलाने के लिए शमशान में जगह कम पड़ गया है। कब्रिस्तान में लाशों का जमावड़ा लगा हुआ है। कभी सोचा था कि लाशों के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी? लगाना पड़ रहा है, वो भी 12-12 घंटे लोग अपनी परिजनों की लाशों को लेके शमशान के बाहर लाइन लगा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जनाजे का रुख तक बदल गया है। ये सब कोरोना के चलते हो रहा है। आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े जो नामी हस्ती हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले, कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और उनके ट्वीट को पढ़कर पता चलता है कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर हो चुकी हैं। कुमार विश्वास अपने ट्वीट में लिखते हैं, रात 12 बजे तक प्रयास करता रहा, सुबह से प्रत्येक परिचित डॉक्टर को कॉल कर चुका हूं। हिंदी के वरिष्ठ गीतकार गुरु प्रवर डॉर कुंवर बेचैन कोजम हॉस्पिटल आनंद विहार दिल्ली में कोविड उपचार में है। ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया है, तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यकता है, कहीं कोई बेड ही नहीं मिल रहा है। हालांकि इनको कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ये ट्वीट वायरल हुआ तो इनको बेड मिल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो जाने माने हस्ती हैं तो इनके ट्वीट पर बेड मिल गया, लेकिन जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसका क्या? वहीं दूसरी तरफ मैं बताते चलूं कि लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नेताओं की रैलियां कम नहीं हो रही है, चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता की आमदनी पर भारी असर पड़ा है, लेकिन बंगाल चुनाव को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। वो भी तब जब हाल ही में आज के दिन कांग्रेस नेता रेजावल हक कोरोना के वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम और पूर्व सीएम कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बहरहाल कोरोना वायरस से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं देश के, और पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें बुधवार को यानी 14 अप्रैल को देश भर में कोरोना वायरस के 1,85,000 नए मामले आए थे। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू से क्या असर पड़ेगा, क्या कोरोना मामले कम पड़ जाएंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि सब कुछ बंद होते जा रहा है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉलेज बंद होते जा रहे हैं, एग्जाम स्थगित होते जा रहा है, लेकिन नेताओं की रैलियां स्थगित क्यों नहीं हो रही है? चुनाव स्थगित क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहा है? क्या लोगों से ज़्यादा, लोगों की जानों से ज़्यादा जरूरी चुनाव हो गया? आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।